अपनी सुंदरता को और निखारने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपका काम नहीं बन पाता, आप बहुत परेशान रहते हैं, आपके मेहनत का फल आखिर क्यों नहीं मिल पाता? दरअसल वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी तरक्की को रोकती हैं। हम आपको बताएंगे कि ऐसी चीजों को घर से तुरंत हटा दें, क्योंकि ये चीजें आपके भाग्य और सफलता में रुकावट बन रही हैं। तो बात करते हैं उन चीजों के बारे में। बिजली का खराब सामान, अगर आपके घर में कोई बिजली का सामान खराब पड़ा है तो उसे तुरंत बनवा लें या उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि ये चीजें आपके भाग्य पर असर डाल। सूखी पत्तियां, अगर आपके घर में लगे पौधों पर सूखी पत्तियां नजर आने लगे तो उनकी कटाई करने में ज्यादा समय ना लगाएं, घर में लगे पौधों को हमेशा हरा भरा ही रखें। मधुमक्खियों का छत्ता, अगर घर में मधुमक्खी का छत्ता लगा है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ये नेगेटिव परिणाम देता है, घर के भीतर इसकी मौजूदगी एक अशुभ संकेत होती है। मकड़ी का जाल, घर में मकड़ी का जाल दुर्भाग्य की निशानी है, इसे जल्द से जल्द हटा दें। आगे से ऐसा ना हो इसके लिए आप घर की अच्छी तरह से सफाई का ध्यान रखें। कबूतर का घोंसला, कबूतर का घोंसला भी घर में रखना अशुभ माना जाता है। अगर चिड़ियों ने या कबूतर ने आपके घर में घोंसला बना लिया है तो उसे तुरंत हटा दें। टूटा हुआ ग्लास, टूटा हुआ ग्लास रखने से भी घर में नेगेटिविटी आती है। चमगादड़ का आना, घर में चमगादड़ आ जाए तो उसे तुरंत बाहर करें, यह सूनापन और बर्बादी लेकर आती है। छत पर कबाड़, घर की छत पर कबाड़ या किसी बेकार सामान का इकट्ठा करना भी घर के लिए अशुभ माना जाता है, उसे जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल दें। घर में किसी भी तरह की दरार या फिर उखड़ा हुआ पेंट हो तो उसकी मुरम्मत करवा लें, आर्थिक हानि होने का खतरा हो सकता है। मंदिर में बासी फूल इकट्ठे ना करें, ये भी आपके घर के लिए बहुत अशुभ होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें घर से तुरंत हटा दें। अगर आपको मेरी ये बताई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।